और अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि रीवा से है, जहां मनगवा थाना क्षेत्र में गत दिवस अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलट गया था, जिसमें ट्रैक्टर के नीचे दबने से अनीश कुमार यादव की मौत हो गई थी। उसके परिजनों ने ट्रैक्टर चालक पर आरोप लगाते हुए किसी बड़ी अनहोनी की शंका व्यक्त की है। बताया जाता है कि बिना नंबर के सोनालिका कंपनी के ट्रैक्टर को लेकर खेत की जुताई करने के लिए सिरखिन्नी जा रहा था। बताया जाता है कि खोज कुमार यादव नाम के चालक ने अनीश को अपने साथ ले गया। दोपहर जैसे ही सिरखिन्नी में रामसिया पटेल के घर के पास पहुंचे, उसी समय खोज कुमार यादव ट्रैक्टर को काफी तेज और लापरवाही पूर्वक चलाया, जिसके कारण ट्रैक्टर पलट गया और ट्रैक्टर के नीचे का भाग ऊपर और ऊपर का भाग नीचे हो गया। इस घटना में अनीश कुमार यादव, जो कि ड्राइवर के बगल में बैठा था, वो दब गया और गंभीर चोटें भी आईं। वहीं शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर में दबे अनीश को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने 279, 337 और 304A के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना कर रही है, लेकिन मृतक के परिजनों ने जानबूझकर ट्रैक्टर पलटाने का आरोप लगाते हुए मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से घटना घटित हुई थी और अब मृतक के परिजनों का क्या कहना है। खोज कुमार आया और हमारे भाई बिरजू को, अनीश यादव को घर से लेकर गया करीब 2 बजे, और वो खाना खा रहा था, खाना भी नहीं खाने दिया, लेकर गया ट्रैक्टर चलवाने। अब खोज कुमार अपने घर से ट्रैक्टर लेकर निकला, सिरखिन्नी गांव पहुंचते ही शराब सिया के द्वारे पर ट्रैक्टर पलटा दिया। इतना स्पीड ट्रैक्टर लेकर गया था। इसके बाद जब ट्रैक्टर पलटा तो उसके चाचा पहुंचे, तो चाचा जब पहुंचे तो खोज कुमार को लेकर चले गए और अनीश को दबे रहने दिए। अनीश बोल रहा था हमें बचाओ, लेकिन गाँव की जनता को भी नहीं उठाने दिया उसके पापा खोज कुमार की। रोड पर से गए फिर भी आवाज़ नहीं दिए, गए घर के सामने से फिर भी आवाज़ नहीं दिए खोज कुमार का पिता चाचा, तो उठा लीजिए अपने भतीज का ही। जब मैं पहुंचा अपने भाई के लेने के लिए, फिर भी वो मना कर रहे हैं खोज कुमार का पिताजी, तो पुलिस आके उठाएगी। पुलिस ने कितने जनते को उठाते हैं, कार्रवाई भी कुछ नहीं सुनाई हो रही है। यहाँ पे कार्रवाई भी करने जाए फिर भी नहीं सुनाई हो रही है, तो ये क्या इस वो हो रखा है भाई। कोई किसी का बात सुनने भी नहीं देते, ना सुनने भी नहीं आते, कोई तमाशा वो कर रहे हैं हम। इसका आप लोग ध्यान से करिए, तो इसका कार्रवाई जरूर होना चाहिए।